चीन ने फिलीपींस से कोस्ट गार्ड के प्लेन को धमकाया। साउथ चाइना सी के विवादित इलाके में घूम रहा था, कहा यहां से तुरंत निकल जाओ। तेलंगाना सीएम की बेटी के दिल्ली में भूख हड़ताल। बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग, 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद। जर्मनी में बेटी की कस्टडी के लिए भारत आया दंपत्ति, 1.5 साल पहले यौन शोषण का आरोप लगा था, अब कहा बच्चे पालना नहीं जानते। संत कबीर नगर में होली के हुड़दंग में असलहों का खुला प्रदर्शन, होली मना रहे युवकों के द्वारा असलहों के प्रदर्शन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जर्मनी के चर्च में फायरिंग, 8 की मौत, कई घायल, 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां बरसाई, हमलावर के मारे जाने की आशंका। सिसोदिया 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में, 7 आरोपियों के साथ पूछताछ करेगी एजेंसी। सीबीआई के केस में जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई। इमरान खान पर हत्या, आतंकवाद का केस, रैली के दौरान पीटीआई कार्यकर्ता की मौत के बाद एक्शन, 100 पार्टी वर्कर्स गिरफ्तार। नॉर्थ कोरियाई सेना जंग के लिए तैयार रहे, तानाशाह ने सैन्य अभ्यास तेज करने का आदेश दिया, बेटी के साथ मिसाइल टेस्ट देखा। राहुल के माइक बंद करने के आरोप पर उपराष्ट्रपति बोले, विदेश में झूठ का प्रचार किया गया, ये देश का अपमान, कांग्रेस का पलटवार। रूस यूक्रेन के जंग के खिलाफ बोले, बच्चे सजा दे रहा रूस, पुलिस ने पिता को टॉर्चर किया, युद्ध की आलोचना को रेप करने जैसा बताया। सफारी ने स्कूटी सवार 2 युवतियों को मारी टक्कर, 1 की मौत, जिस कार से हादसा हुआ उस पर पुलिस का स्टीकर, आरोपी गिरफ्तार। जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने, मुट्ठी बंद कर देश को ताकतवर और महान बनाने की शपथ ली। भाजपा ने तैयार की 10 लाख लोगों की आर्मी, 1-1 वोटर तक पहुंचेगी, राजस्थान में जीतने के लिए क्या है भाजपा का प्लान। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमलों पर बोले पीएम मोदी, कहा ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने दिया भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा। इकोनॉमी पर बढ़ रहे दबाव से जूझ रहा है अमेरिका, बाइडेन सुपर रिच पर 25% टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स की दोगुना करने की तैयारी। उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, हर 30 किलोमीटर पर ईपी के लिए चार्ज पॉइंट, यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। रामचंद्र पोटेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए, देउवा की नेपाली कांग्रेस समेत 8 पार्टियों के कैंडिडेट थे, चीन समर्थक ओली को झटका। बिंदी नहीं लगाने पर बीजेपी सांसद ने महिला को डांटा, मुनी स्वामी बोले पहले बिंदी लगाओ, तुम्हारे पति जीवित है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 480 रन पर ऑल आउट, क्वाजा ने सबसे ज्यादा 180 रन बनाए, अश्विन को 6 विकेट, भारत ने बनाए बिना विकेट खोए 36 रन। एमसीसी ने क्रिकेट को बचाने की अपील की, क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था ने कहा टी20 लीग से पड़ रहा छोटी टीमों पर असर।